आया कि नेताजी नगर में एक दो लेडी का मर्डर हुआ है, तो इमीडिएटली हमारा एसडीपीओ एंड ओसी ने रश किया है स्पॉट में। स्पॉट में देखा कि दो लोग मर्डर हुए थे, दो वुमेन है, एक सोमा आचार्यजी 51 इयर्स और एक तनुश्री आचार्यजी 34 इयर्स। तो इमीडिएटली लोकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसके पीछे इसका जो तनुश्री आचार्यजी का हस्बैंड है समरजीत चौधरी 40 इयर्स ऑफ मधुपुर, ये इसका मर्डर किया है। तो इमीडिएटली इन लोगों ने जो एसडीपीओ का टीम है इमीडिएटली मधुपुर पीएस से कांटेक्ट करके उधर नाका पे उसको पकड़ा है। विद इन 1 आवर इन लोगों ने अचीवमेंट किया है। उसके बाद उसको लेके आके उसको इंट्रोगेशन में उसने कन्फेस किया है। तो ये एक्चुअली तनुश्री आचार्य और समरजीत जो हस्बैंड एंड वाइफ है इन दोनों का डिवोर्स चल रहा है। एक 1.5 साल से इनका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी लास्ट स्टेज में है। जो मर्डर का रीजन क्या था? हाँ यही, तो ये एक्चुअली इनका डिवोर्स और फैमिली प्रॉब्लम चल रहे थे, तो इसके पीछे ये सोचता है कि इसका जो सासू माँ है सोमा आचार्य जी, वो इसका जो फैमिली का प्रॉब्लम है इसका रीज़न वो है। तो उसके ऊपर पहले से उसको बहुत सारा गुस्सा था। और कल आफ्टरनून जब इसने फेसबुक में तनुश्री आचार्य जी का एक पोस्ट देखा, उसमें ये दो लड़के के साथ एक गाड़ी में जा रही थी, खुशी खुशी एंजॉय कर रही थी, तो इसको गुस्सा हो गया। तो इसने आफ्टरनून से प्लान किया है और रात में आके जो सोमा आचार्य जी के घर में चुपके बैठ गया। तो सोमा आचार्य जी जो उनका मदर इन लॉ है और ये तनुश्री आचार्य जी पूजा देखने के लिए गए थे, तो ये जब वापस आए 4 बजे तो इसने तुरंत अटैक किया है। इसके साथ जो दाव था, एक्चुअली पोल्ट्री बिजनेस करता है, तो जो पोल्ट्री कटिंग का जो दाव है वो लेके सोमा आचार्य जी को अटैक किया है। तो वो तो बहुत ही हीनियस अटैक किया है, पूरा उनका जो नेक है गर्दन पूरा अलग नहीं हुआ है लेकिन अलग लगभग 3/4 कट कर दिया। उसके बाद जो जब तनुश्री उसको बचाने के लिए आया तो उसको भी अटैक किया है, उसके भी सिर पे मारा है और उसको भी हाथ पे मारा है, तो वो भी विद इन मिनट्स वो भी मर गए। दोनों स्पॉट डेड है। उसके बाद वो जगह से भाग गया, तो उसके घर मधुपुर में है और इमीडिएटली हम लोगों ने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुआ है। उसको अभी हम पुलिस रिमांड में लेके आएंगे और उसका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका मैजिस्ट्रेट के सामने उसका ये भी होगा। अभी समरजीत सर कस्टडी में है? कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, अभी उसको कोर्ट में हाजिर होगा। नहीं अकेला ही, अभी जो आ रहा है प्रेजेंट अकेला ही है, फिर भी हम लोग डिटेल उसको इंट्रोगेशन करेंगे कैसे किया उसने, सब आएगा डिटेल में अभी इन्वेस्टिगेशन।